ग्रेटर नोएडा के दादरी में खुदाई के दौरान एक युवक का जमीन में दबा शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक युवक के सर और सीने में गोली के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल शव की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खेत में खुदाई के दौरान मिला युवक का शव। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मिला शव। मृतक के सीने और सर पर गोली के निशान। पुलिस कई एंगल से कर रही है जांच। शव की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के दादरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में खुदाई के दौरान एक युवक का शव गोली लगी अवस्था में मिला। खुदाई कर रहे लोगों ने घटना की सूचना फौरन पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंचे और जांच शुरू की। मृतक के सीने और माथे पर गोली लगी हुई है। हालांकि शव का पंचनामा करने के बाद पुलिस ने मृतक युवक की शिनाख्त की कोशिश भी की, लेकिन अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक युवक के सीने और सर पर गोली के निशान को देखकर पुलिस आशंका जता रही है कि पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या की गई है। आज चक्रसेनपुर गांव के तालाब में एक डेड बॉडी मिली है। 22 से 25 साल का युवक होगा और उसके सिर में एक गोली मारी गई है और एक बाएं सीने पर गोली लगी हुई है। इसके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। डेड बॉडी पीएम के लिए भेजी जा चुकी है। इसका शीघ्र ही हमारा वार कराया जाएगा। मृतक के कपड़ों और हुली के आधार पर पुलिस ने आसपास के थानों में तस्वीर भेजकर शिनाख्त की कोशिश की है। पुलिस के मुताबिक शव को देखने के बाद लग रहा है कि घटना कई दिन पुरानी है और वारदात को छुपाने के लिए शव को खेत में दफनाया गया था। हालांकि पुलिस की जांच कई एंगल पर चल रही है। खेत में शव मिलने के बाद सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने भी अपने स्तर से शिनाख्त की कोशिश शुरू की है और शिनाख्त के बाद ही घटना का खुलासा करने में पुलिस कामयाब हो पाएगी, लेकिन घटना को कब और कैसे अंजाम दिया इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगा। पुलिस का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शव की शिनाख्त के बाद पुलिस कातिलों तक जरूर पहुंच पाएगी। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्द पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा पाएगी। ग्रेटर नोएडा से अकरम खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।